जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिफेंस पढ़ाई पर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 22 तारीख को हमारी नेवी की वैकेंसी आ चुकी थी। तो दोस्तों नेवी ने दी है आप सब लोग को बहुत बड़ी खुशखबरी। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि हमारी जो नेवी की वैकेंसी है वो 22 अप्रैल 2021 को आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों जो नेवी ने 22 तारीख को अपडेट दी थी, जो ऑफिशियल थी, उसमें जो इन लोगों ने अप्लाई डेट थी वो दी थी 26 टू 30 अप्रैल 2021। तो दोस्तों लेकिन जो नेवी की अभी की आज टुडे जो 26 अप्रैल है दोस्तों, 26 अप्रैल की जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जा रहे हैं, जहाँ पर दोस्तों नेवी ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। तो चलते हैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर, क्या नई अपडेट आई है। आप लोग देख सकते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एप्लीकेशन विंडोज फॉर सेलर एंट्री जो अप्लीकेशन लाइकली ओपन फ्रॉम 26 अप्रैल 2021 से 5 मई 2021। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ नेवी ने बहुत बड़ी एक खुशखबरी दे दी है। जो पहले यहाँ पर 30 अप्रैल तक ही भर सकते थे अप्लाई, उसको नेवी ने ये कोविड-19 के चक्कर में ये 5 मई कर दिया है। तो आप लोग दोस्तों जितने स्टूडेंट हो पहले से ही आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि अब एडमिट कार्ड किन किन का आएगा और किन का नहीं आएगा और क्या रिक्वायरमेंट रहेगी इसको अप्लाई करने के लिए। तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर, जो हम लोगों ने डाउनलोड करके रखी है आप लोग। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि यह एक वेबसाइट का पेज हमने ओपन पहले से ही कर रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो एप्लीकेशन बिगेन है वह 26 अप्रैल 2021 से चालू हो जाएगा और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 5 मई 2021। तो दोस्तों और इसकी जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी दोस्तों 5 मई ही रखी गई है और एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया और इसकी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 0 रखी गई है। दोस्तों आप लोग इसको देखिए, 0 आखिर क्यों रखी गई है, इस बार आखिर इन लोगों ने पैसे की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं की है, इसका जवाब आपको मिलेगा। तब तक आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए इन तक। तो दोस्तों नेक्स्ट क्या बता रहा है दोस्तों, वैकेंसी डिटेल यहाँ पर दोस्तों आपको 2500 पोस्ट दी गई है, 2500 पोस्ट आपको दी गई है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर जो डबल ए की वैकेंसी है दोस्तों वो यहाँ पर दोस्तों जो SSR की वैकेंसी है वो है 2000 और इसमें रिक्वायरमेंट मांगा है 10+2 इंटरमीडिएट विथ PCM। दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है ये सिर्फ वैकेंसी PCM वालों के लिए है। डबल ए की वैकेंसी है वो दोस्तों यहाँ पर 500 ही पोस्ट दिया है इस बार। जो डबल ए की वैकेंसी है दोस्तों वो इस बार 500 हैं और दोस्तों इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, 10+2 एग्ज़ाम विथ 60% एग्रीगेट मार्क्स एंड फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री, मतलब आपको PCM क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब दोस्तों जो सब स्टूडेंट का डाउट है वो डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आखिर किन लोगों का एडमिट कार्ड आएगा और किन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि जो दोस्तों SSR की भर्ती होती है वह दोस्तों 50% आपके PCM में होने ज़रूरी हैं और दोस्त PCM में होने ज़रूरी हैं। अगर दोस्तों आप लोग 50% हर सब्जेक्ट में नहीं हैं तो आप लोग दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं डबल ए की, तो डबल ए के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है दोस्तों 60% आपके होने चाहिए PCM में, तभी आप लोग दोस्त इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ये दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है नेवी की। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।